प्यारे तलबा, हम जब खुशी महसूस करते हैं तो चाहते हैं कि दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करें। जैसे हम ईद और बकरीद का त्यौहार मनाते हैं तो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और बधाई देते हैं। दिवाली का त्यौहार, जो कि रोशनियों का त्यौहार कहलाता है, हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिवाली की बधाई देते हैं। इसी तरह होली, जो कि रंगों का त्यौहार कहलाता है, हम अपने चाहने वालों को इसकी बधाई देते हैं। लेकिन इन खुशियों के मौके पर जो हमारे करीब नहीं होते, उन्हें हम बधाई कार्ड भेजते हैं। तो आइए आज हम पार्ट 3 बधाई कार्ड पढ़ेंगे और बधाई कार्ड बनाना सीखेंगे।